भाई सबका फेवरेट सब्जी वाला पुलाव बना हुआ है जी। अम्मा भी आ गई है, मैं भी आ गया हूँ, उधर भाई अब्बा जी भी बैठ के धूप में खा रहे हैं। आज निकली हुई है धूप, भाभी भी आ गई है। आपके स्टोर से भाई हमने सूट नहीं खरीदा बताएं कैसा ये भी हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो भाई। मौसम जो है ना भाई माशाल्लाह से आज अच्छा हुआ खड़ा, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो अभी हमने भाई चारा काट के लाए थे तो उसको काट रहे हैं, क्योंकि गुगलू और गुगलू की माँ जो है ना भूखी खड़ी है, उनको डाल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई ये काट लेते हैं और आज की सारी रूटीन आपके साथ करेंगे भाई शेयर। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो, तबाही मचा दी भाई ना भाई मोटर हमने खोल दी थी, उसके बाद फिर लगाई नहीं। हमने कहा थोड़ा सा ना हाथों को भी मशक्कत के कामों पे लगाएं, बहुत ज़्यादा इजी हो गए हम। तो वैसे भी ये चारा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होता, देख लो ये हाथ से भी कट रहा है, तो इसलिए मोटर लगाने की जहमत हमने नहीं की। जब तक ये है तब तक तो हाथ से ही काट लेंगे। चारा भाई इतना सॉफ्ट है ना, बस ऐसे आराम से चलाते जाओ ना तो कटता जाता है। देख रहे मैं कैमरा भी पकड़ के खड़ा हूँ, हाथ से काट भी रहा हूँ, इतने मतलब इजी है ये। अभी जब आएंगे ना वो ज्वार और बतने गन्ने, उस वक्त जोर लगता है, तब हम मोटर लगा लेंगे। चारा हमारा हो गया जी, अभी गुगलू और गुलनाज को डालते हैं। गुलबानो था, गुलनाज था, गुलबानो भाई थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। गुलबानो और गुगलू को डालते हैं। बच्चा क्यों रो रहा है? पीछे से आंटी और अंकल आ रहे हैं, वो बच्चों के हमें डराया उन्होंने, वो उन्होंने रोला डाला हुआ है। जिस तरह से भाई इंसानों को रोटी के साथ सलाद अच्छा लगता है ना, इस तरह से भाई गाय भैंसों को भी जो है ना चारे के साथ जो है ना ये भूसा मिक्स करें ना तो फिर शौक से खाते, ये समझ लो उनका सलाद है। डाइट करवानी हो ना तो भूसा भी डाला करो, फिर गाय भैंस जो है ना डाइट करेगी। आ जाओ भाई, गुलबानो आ गई है। गुलबानो तो भाई चारा शौक से खाती है। गुगलू भी खाता है? चेक करवाएं इसका, ये देखो गुगलू, ये ले तेरे लिए रोटी ले आए हो। बस जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ना फिर ये प्यारा लगना बंद हो जाएगा, अभी तो प्यारा लगता है। क्या भाई सर्दी इसने सरवाइव किया, इसको बड़े मतलब हम लपेट शपेट के रखते थे, नहीं तो जितनी सर्दी पड़ी है ना इस तरह के छोटे बच्चों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। हैं गुगलू इधर तो आ, इधर तो आ है। गुगलू 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 गुगलू, ये जगह इसकी बड़ी सॉफ्ट है, मजा आता है। हाँ अब उसे भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गुगलू गुगलू जो है ना भाई इसको स्पेशल रोटी वगैरह डाली जाती है, तो कभी कभार चारा भी थोड़ा बहुत डालते हैं अगर खा ले तो। अच्छा भाई गुलबानो गुगलू का काम तो हो गया भाई। अभी मैंने ना चप्पल देखी अपनी तो मुझे एक बात याद आई, मैं कहा आपको भी बताऊं। ये देख रहे हो मेरी चप्पल, पता नहीं कौन एक सब्सक्राइबर है जिसको ये जूते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कमेंट्स में आके मेरी ना तहलह लगा देता है आके वसीम ये तुमने क्या हुआ ना, मतलब अच्छी खासी मुझे सुना जाता है, मुझे लगता है कि कोई हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदारों में से किस
नहीं उसको ना वो यही कहता गंदी सी चप्पल पहन लिया ये वो, मतलब जिस तरह का होता है ना रूड लैंग्वेज, तो पता नहीं क्या चप्पल उसको दुश्मनी है। मैं जब भी दिखाता हूँ फिर मैं स्पेशल उसके लिए कभी कभार ना वीडियो में दिखाता हूँ कि देख लो। आपसे भाई एक बात शेयर करनी है। धूप निकल पाई, धूप निकल। ये भाई जो मोबाइल है ना आईफोन, ये मैंने सेल करके ना चेंज करना है, इसकी ना बैटरी नहीं तक मतलब चलती नहीं, एक वीडियो बनती है ना तो ये बंद होने लग जाती है। दो साल हो गए, इतनी की बैटरी चलनी थी सारा। इस तरह का ले लो फिर आप उसको बेच के। हाँ जा, हाँ जा, हौसला करें। 15 प्रो मैक्स लेना है अब। नहीं नहीं, हाँ हौसला कर। व्लॉग नहीं बनाना फिर? बनाना तेरी हालत छह कर, मोड चार्ज कर ले, मोड चार्ज कर ले। बस वीडियो बनती है ना अब, ये खत्म होने वाला, अब इसको चार्ज करूंगा फिर एडिट होगा। मुश्किल मेरे लिए बनती है। सर्दियां खत्म, गोली करवा रही थी कि सर्दियां सर्दियां खत्म, सर्दियों से कौन सा मोबाइल का कनेक्शन है, मक्खी मक्खी मक्खी। सर्दियों से भाई मोबाइल का कनेक्शन है, रोटी थोड़ी है जो मैंने गर्मियों में खानी है। सेल होंदी काय ने, सेल होंदी काय ने, जेड़ा मौका ते आ गया उनिस कोन कोन अगला सेल पूरी कर लेंगे मैं मुनाफा। हां ये है कि आजकल मुल्क के हालात नहीं है, मोबाइल बहुत कम बिक रहे हैं। पता नहीं कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने ना इंस्टॉलमेंट्स में मतलब किस्तों में मोबाइल देने हैं। हां वो भी नहीं, उन्होंने कोई नहीं देने। मैं तो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं ना तो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लूंगा, कि उस पर ना मतलब वो सूद नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर बंदा भरता रहता है ऐसा ऐसा, किस्तें थोड़ी थोड़ी होती हैं, 3-4 साल का मतलब मिल जाता है बंदे को टाइम, तो फिर बंदा 15 प्रो मैक्स ले लेता है। क्योंकि व्लॉग बनाना है तो अच्छी क्वालिटी का मोबाइल होगा तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी। और 20-25 हज़ार ये है तुम्हारे पास तो नया है, इनके पास तो भाई नया वाला है, तो अभी देखते हैं कोई गवर्नमेंट का कोई शेड्यूल का पता चलता है, नहीं तो फिर भाई लेना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ ना अब गुजारा थोड़ा औखा हुआ खड़ा है। अभी हो गया है भाई लंच का टाइम, और लंच में आज भाई सबका फेवरेट सब्जी वाला पुलाव बना हुआ है जी। अम्मा भी आ गई है, मैं भी आ गया हूँ, उधर भाई अब्बा जी भी बैठ के धूप में खा रहे हैं। आज निकली हुई है धूप तो सब ना भाई बाहर लॉन में बैठ के खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। साथ में भाई सोने पे सुहागा हो गया। शामियां भी आ गई है, सदाकत अभी स्कूल से आया तो वो लेके आया, तो सबसे पहले तो भाई हम यही टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामी, बल्कि दाल वाली शामी है। ये भाई जो इधर चिकन अच्छा नहीं समझेगा, ये भाई जो है ना रायते का साथ एक शाम में भाई मुश्किल नहीं आया पाया होता ना मैंने। चलो एक उठा लो, एक उठा लो, एक अम्मा की एक मेरी, और एक लिमिटेड शामियां है भाई। घर में तो होती तो बहुत होती, लेकिन अब आई बाहर से हैं तो फिर लिमिटेड ही है सबके लिए, एक एक ही है। तो सब्जी पुलाव के साथ भाई अच्छी लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीडियो। भाई सुबह हो गई है, दूसरा दिन हो गया है, बल्कि अभी भी 2 बज गए, लेकिन मौसम सुबह की तरह का ही है। अम्मा भी भाई इधर रेडी खड़ी हैं, तैयार हैं भाई? हाँ जी मैं। और मैं कुत्ते आता हूँ भौंक लाइए फिर मैंने बोला। तो मैं भी भाई तैयार हूँ, अभी हमने जाना है जी टाउन शहर के लिए कुछ सामान लेना स्कूल का। हाँ जी। स्कूल के लिए उसकी कुछ चीज़ें लेनी है, वो लेके आनी। और अभी भाई ना हम देख रहे थे कि सर्दी की वजह से पौधों की क्या हालत हो गई। ये भाई पबरी का पौधा बिल्कुल सूख गया है सर्दी की वजह से, इसकी हालत चेक करो आप। ये छोड़ो आपको वो दिखाऊं, जो हमारा वो अंजीर है ना ये सारा सूख गया, अच्छा खासा ये ग्रो कर गया था, पत्ते सारे सूख के गिर गए हैं उसके। पता है सर्दियों में इनके ऊपर पराली डालते होते हैं, लेकिन ये पराली डालने वाले पौधे हैं नहीं, वो एक लेवल के होते हैं ना पौधे, जिस तरह की गेंदे के फूल हैं इनके ऊपर बंदा पराली डाल सकता है, लेकिन ये है कि सर्दी ने ना पौधों की बस करवा दी है, तो इंसानों के सोचो। ये होते ही सर्दियों वाले हैं, ये सर्दियों में ही रहते हैं, मतलब ये ग्रो फूल लगते ही मोस्टली सर्दियों में, इसलिए तो देख रहे हो वो भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए, वो भी लगे हुए हैं। दूसरे पौधे जो है ना उनको थोड़ा सा सर्दी से बचाना पड़ता है, तो हमने इतनी बहुत एक्सट्रीम केयर नहीं की। इनके ऊपर पराली शराली डालते ना भूसा शूसा, ताकि इनको जो ट्रेल पड़ती है शबनम वो ना होती तो ये बचे रहते। लेकिन भाई ये देखो ऐसा सूखड़ गया है, है तो ये इसकी नसल ही कुछ ऐसी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही सुखड़ गया, ये पत्ते सूख गए। अजीब सा फिल्मों वाले को ड्रोनी सी लग रही है। तो खैर जी अभी टाउन चलते हैं, बाइक पे ही हम जाएंगे भाई, इसलिए सही से हमने ना जैकटें जुकटें टोपियाँ शोपियाँ कर ली हैं, क्योंकि बाजार में जाना तो आगे गाड़ी जाती नहीं है, टाउन करीब ही है। तो अभी निकलते हैं, आपके साथ भी साथ रूटीन शेयर करते हैं, और सामान जो खरीदना है वो खरीद के लाते हैं। एक तो भाई मोटरसाइकिल हो जाता है फुल ठंडा, उसके बाद इसको आधा घंटा जलाना पड़ता है पेट्रोल, फिर ये नॉर्मल आता है।
चौक पे अभी हम टाउन पहुंच गए जी। भाई ना कोई स्वेटर जर्सियाँ वगैरह दिखा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि यूनिफॉर्म के साथ ही कोई स्पेसिफिक होती है, लेकिन अम्मा कह रही कोई भी कलर ले लो, वो मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्कूल में, कोई भी फैंसी भी पहन सकते हो स्वेटर वगैरह और जर्सी वगैरह। तो अभी भाई वो ला रहा है, छोटा दिखाता है, देखते हैं कोई पसंद आती है तो। वैसे मैं तो कहूँगा कि यूनिफॉर्म के साथ मैच होती है ना वही वाली ले। अच्छा की थी अच्छी लगे वो वाला कलर कोई भी हो जाए। कोई कलर लगी ये छोटी है, बिल्कुल छोटी है यार, इससे बड़ी और अच्छी कोई दिखा। ये तो सही मजा नहीं आया इनका, इससे अच्छा कोई नहीं क्वालिटी बड़ी। हाँ इससे अच्छी ये भाई सबसे अच्छी है। नहीं ये हमारे जहन में नहीं आई, चलो और देख लेते, नहीं तो फिर और दुकानें हैं। ये वाला सूट भाई हमें पसंद है, ये भी है इसी के साथ है। हाँ ये दुपट्टा है, ये है कमीज और ये सलवार। इसमें ना ये लाइनिंग नहीं है, ये वाली लाइनिंग कमीज में सलवार में नहीं है। हाँ, नहीं अच्छा लगे। 4,000-5,000 पैकेट सूट आ रहे हैं इस तरह दे भाई, उते रेप्लिका टाइप। अच्छा भाई ये खद्दर है, और भी स्टफ था लेकिन हमें ये खद्दर ही पसंद आया तो सहार के लिए लेना था ये। अच्छा भाई अभी यहाँ से कुछ ना फ्रूट लेने थे, लेकिन फ्रूट के नाम पे ना आजकल सिर्फ माल्टे ही बिक रहे हैं, बाकी सब चीजें ना पुरानी हो गई है, तो मैंने माल्टे ही करवाए हैं 3 किलो। ये चल रहे हैं भैया 120 रुपये किलो, और वो उधर जो रखे हुए ना वो 100 रुपये किलो, हमने 120 वाले ही करवाए हैं। स्कूल से भाई छुट्टी का टाइम हो गया, तो अब जो है ना यहाँ पे हो जाएगा रश, ऐसे ही है ना। 500 के कर दिए भाई, चलो 500 के कर दो यार। और जी बस तो वापस घर आ गए हैं, और भाई हाथ जो है ना फ्रीज हो गए हैं, दस्ताने 2-3 दिन से बाइक चला रहा हूँ, दस्तानों की जरूरत पड़ने लग गई है, लेकिन अभी माशाल्लाह से जो है ना भाई हल्के हल्के धूप निकल आई है। और शॉपिंग जो है ना आज भी सहार की थोड़ी सी अधूरी रह गई है, लेकिन मैंने कहा खाली यार नहीं जाते, कुछ ना कुछ ले के जाना है। तो ये भाई अमरूद लिए थे, ये माल्टे लिए हैं जी, और ये सहार का एक लिया है जी सूट, खद्दर है भाई ये, और मुझे तो भाई यही पसंद आया था, तो मैंने फिर कहा कि यही ले लेते हैं। अम्मा को भी लगा नहीं, कल अम्मा की जर्सी जो ली थी ना भाई वो बाजी आसिया ने रख ली थी, तो अम्मा की भी जर्सी लेनी है और सहार की जर्सी भी लेनी है। तो सिटी जाएंगे ना तो वहाँ से मतलब वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, डेफिनेटली वहाँ पे शॉप्स भी ज़्यादा होती हैं। तो जर्सी फिर आज मिस हो गई है सहार की, लेकिन सूट भाई ये ले के हम आए हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसकी मेन गेम होती है भाई सिलाई की, आप सूट सिलाई किस तरह से करवाते हो, ये शर्ट बनेगी ना मुझे शॉर्ट होती है, तो ये बड़ी प्यारी लगेगी, बिल्कुल सिंपल से सिलवाए, कोई डिजाइन डिजाइन ना करवाए, देख लो ये बहुत सूट प्यारा लगेगा। और बाकी भाई इधर ये पकड़े, और ये भाई एक पत्ती ली थी सुप्रीम की, मैं खुद पहले कंफ्यूज हुआ कि वो तो रेड कलर की होती है लेकिन ये ग्रीन है, तो ये सुप्रीम दानेदार है भाई। और ये सौंफ लिए हैं जी, ये सामान हम खरीद के लाए हैं जी, जर्सी रह गई है और अम्मा की भी जर्सी रह गई है, वो सिटी जे ले आएंगे। सहार भी आ गई है, और सूट सहार से भी पूछ लेते हैं, सुनाओ कैसा लगा सहार? अच्छा है। हाँ सही सही बताओ, अगर नहीं पसंद तो चेंज हो जाएगा। नहीं अच्छा है। हाँ मुझे तो भाई पसंद आया था तो मैंने ले लिया फिर। पसंद की था है। मेरे नाल भी मशीन ज्यादा पसंद की था ना, ये कलर अच्छा है। ये इसका कमीज है और ये शलवार है, मतलब है दोनों सेम, लेकिन इसमें ना ये देख लो ये लाइनिंग है, इसमें ये लाइनिंग नहीं है, और ये इसका दुपट्टा है। मुझे तो प्यारा लगा था तो मैंने कहा ले लिया, पसंद है तो ठीक, नहीं तो वापस हो जाएगा। नहीं अच्छा है। चलो भाई ठीक हो गया। ये तो भाभी भी आ गई हैं, आपके स्टोर से भाई हमने सूट नहीं खरीदा बताएं कैसा है ये भी हम पूरे ये खद्दर है कलर सही है, कलर बड़ा प्यारा है, अच्छा लगेगा। हां मैं मच्ची और अच्छा लगता है। हां फ्रेश फ्रेश कलर है ना ये, इस तरह के कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जितना सिंपल सिलाई होगा ना उतना प्यारा लगेगा। वो जो स्ट्रेट शर्ट होती है, हां ट्राउजर और इसके साथ हल्के, हां वो अच्छा लगता है। प्यारा सूट है माशाल्लाह। चलें भाई अप्रूव होता जा रहा है, पसंद आ गया, और कमी से भी अप्रूव करवा लें तो फिर हो जाएगा। अभी आया था जी मैं इधर बाहर थोड़ा सा ना वॉक शॉक करने के लिए, धूप निकली है, साथ है भाई इधर सांवल और हारून है, क्या हाल चाल है भाई? तबीयत से ठीक है। इधर भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी है, और ऊपर जो पड़ी हुई है शबनम, चेक करो ये देखो माशाल्लाह, ये गंदम की फसल है ना?
गंदम, हाँ गंदम है भाई। वापस आ गया था मैं, काफी टाइम का वीडियो एडिट किया है, अभी आउट्रो किया है, और हमेशा की तरह आपको रिजाई में मिलूंगा। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं जी खत्म। आई होप सो आपको ये सारी वीडियो सारी रूटीन पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट टेल द नेक्स्ट वीडियो वे अपने डेट्स रखा रखिएगा। तो हम यहाँ रखिएगा, आप भी रजाइयों में घुसते हैं, बाहर बहुत ठंड बनी हुई है, लेकिन इंजॉय करो सर्दियों को यार, यही दिन है इंजॉय करने वाले, फिर भाई गर्मी बहुत पड़ेगी सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।